देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली में आज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी नेताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। टीएमसी के 10 सांसद केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे, लेकिन पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। टीएमसी सांसदों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें घसीट कर धरने से उठाया है और केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। What is this? What are you doing? This is ईडी चीफ को हटाया जाए, सीबीआई निदेशक को हटाया जाए, एनआईए प्रमुख को भी बदल दिया जाए, तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुखिया के खिलाफ चुनाव आयोग के चौखट पर 24 घंटे का धरना शुरू ही हुआ था कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। डेरेक ओब्रायन, डोला बनर्जी और सागरिका घोष समेत टीएमसी के तमाम नेताओं को पुलिस ने जबरन हटा दिया। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया, दिल्ली पुलिस की बस में बिठा दिया गया। हम अभी आपको बोले थे कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स की चीफ को बदलना चाहिए। ये अपील हमने इलेक्शन कमीशन के पास किया और इसी मांग पर हम 24 आवर पीसफुल धरना पर इधर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण धरना अवस्थान पर हम इधर बैठे हुए हैं और आपको पता है इधर बेवजह अमित शाह की पुलिस, मोदी बाबू की पुलिस, दिल्ली की पुलिस आके हमको मना कर रहे। आपको पता है हमने मांग किया इलेक्शन कमीशन के पास कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और आईटी जो मोदी जी और अमित शाह की खिलौना है, मोदी बाबू अमित शाह की खिलौना है, उनको स्टाफ ऑफिस है बीजेपी की, उसकी चीफ को बदलना चाहिए। जिस तरह से हमें यहाँ से उठवा रहे हैं, जिस तरह से हमें यहाँ से ले जा रहे हैं, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र के दिल्ली पुलिस ने मुझे धक्का दिया, मुझे गिराया गया, बल उपयोग किया, घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। इससे पहले कोलकाता से दिल्ली पहुंचे टीएमसी के 10 सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में जांच एजेंसियों पर पक्षपात के आरोप लगाए, तो साथ ही ये मांग भी कर डाली कि निष्पक्ष चुनाव के लिए एनआईए, सीबीआई, ईडी के प्रमुखों को तुरंत हटा दिया जाए। आपको पता है हमने मांग किया इलेक्शन कमीशन के पास कि सीबीआई, ईडी, एनआईए और आईटी जो मोदी जी और अमित शाह की खिलौना है, मोदी बाबू अमित शाह की खिलौना है, उनको स्टाफ ऑफिस है बीजेपी की, उसकी चीफ को बदलना चाहिए। इसी मांग पर हम 24 आवर्स पीसफुल धरना अवस्थान पर बैठे हुए हैं। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल भले ही दिल्ली पहुंच गया, लेकिन कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश करती रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता सरकार के इशारे पर काम कर रही है, बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी के सिपह सालारों ने दावा किया कि बंगाल में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं, टीएमसी की लड़ाई तो सीबीआई, ईडी और एनआईए से है। तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस एक झुंड है कुछ लुटेरों का। तृणमूल कांग्रेस का राजनीति का एक ही अर्थ है, विपक्ष का सामने खड़ा हो जाओ, उसको गाली गलौज करो, उसका संबंध में गंदी बातें करो और ज्यादा से ज्यादा उसको मारो पीटो, किसी भी हालत से चुनाव को निष्पक्ष नहीं करने दो, लोगों को अंदर एक दहशत पैदा कर दो, तो इंटिमिडेशन इज ऑन, ये चलते हैं गोटा पूरा पश्चिम बंगाल में। भाजपा नहीं है यहाँ पे, वो तो आधी भाजपा और ये पाल्टीबाज भाजपा, और आधी भाजपा जो है बंगाल में वो इंसल्टेड फील कर रहा है, वो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे इस बार। तृणमूल का जो लड़ाई है अभी वो सीबीआई, ईडी, एनआईए के खिलाफ चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है तृणमूल वर्सेस सीबीआई, ईडी, एनआईए, भाजपा कहीं पे नहीं है और बंगाल के पब्लिक हम लोगों को सपोर्ट करेगा।
डोंट डू दिस यार, व्हाट इज दिस। दीदी के सिपह सालारों की टीम दिल्ली में दमखम दिखाती। इससे पहले पश्चिम बंगाल के बांकुरा में खुद ममता बनर्जी ने भी जांच एजेंसियों पर बीजेपी की जेबी संस्था होने का आरोप लगाया।